हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड का एक नया अपडेट आया है और वो अपडेट है पीवीसी कार्ड का, मतलब कि प्लास्टिक कार्ड का, ठीक है। और वो प्लास्टिक कार्ड आप अपने घर मंगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और टाइप करना है uidai.gov.in। सिंपली आप इसे टाइप करके सर्च कर ले। सर्च करने के बाद यहाँ पे इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब घर बैठे ऑर्डर करें आधार पीवीसी कार्ड, मतलब कि प्लास्टिक कार्ड आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और शुल्क है 50 रुपया ओनली, आपको 50 रुपया देना, जो कि GST इंक्लूड रहेगा इसमें। और स्पीड पोस्ट से डिलीवरी आपके घर पर हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। सिंपली आपको ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पे क्लिक करना है तो ये एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप फीचर्स देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका आधार कार्ड ड्यूरेबल होगा और आप इसे अपने वॉलेट में भी कैरी कर सकते हैं, ओके। और ये सिक्योर QR कोड होगा, एक होलोग्राम होगा, ठीक है, और ग्लोच पैटर्न होगा, ठीक है, और घोस्ट इमेज एंड माइक्रो टेक्स्ट होगा, मतलब कि इसमें टेक्स्ट जो होगा और इमेज जो होगा वो आपका छोटा होगा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। आप जब किसी शॉप से पीवीसी कार्ड प्रिंट करवाते हैं तो वो वैलिड नहीं रहता है, बट ये सिक्योर है और वैलिड है, आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से सिक्योर है और वैलिड भी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं। अगर वर्चुअल आईडी नहीं है तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। चलिए, मेरे पास आधार नंबर है तो मैं आधार नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा को आपको अच्छे से फिल करना, जो भी कैप्चा यहाँ पर शो कर रहा है उस कैप्चे को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहां पे फिल करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं भी है तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेकमार्क कर देंगे माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई एक मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है, कोई सा भी, जो कि रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी चलेगा, आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस भी मोबाइल नंबर को डालेंगे, ठीक है, तो उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होगा तो यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, तो आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड अगर आपका आधार नंबर लिंक होगा तो यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा आपका आधार कार्ड का, ठीक है। तो आप आधार कार्ड देख लें, उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। फिर उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड्स का है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, तो आपके पास जो भी है आप उस चीज़ से यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। मेरे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपके बैंक पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे एक SRN नंबर मिल जाएगा। इस SRN नंबर से आप बाकी बाद में स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टेटस चेक करना भी बता ही दूंगा। तो यहाँ पर आप SRN नंबर को नोट कर ले। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट है, इस पर क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस पे क्लिक करना है। ये एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एसआरएन नंबर डाल देना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप स्टेटस भी देख सकते हैं कि आपका स्टेटस ये है और आपका एसआरएन स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल है। फिर उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी फिर से कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे करके आप ऑर्डर कर दें, 15 दिनों के अंदर आपका पीवीसी कार्ड आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। जो भी एड्रेस आपके आधार कार्ड पर था वही एड्रेस पर आपको पीवीसी कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।